बानी पीटीआई ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस के खिलाफ दोबारा दरख्वास्त दे दी। अहम खबर आपको दे रहे हैं, बानी पीटीआई ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस के खिलाफ दोबारा दरख्वास्त दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाजी साहब पीटीआई और बानी के खिलाफ जानिबदार हैं, ये दरख्वास्त के मतन में लिखा गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ के बानी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस के खिलाफ दोबारा दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त के मतन में लिखा है कि चीफ जस्टिस काजी फाजीसा पीटीआई और बानी के खिलाफ जानिबदार हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि चीफ जस्टिस मेरे और तहरीक इंसाफ से मुतलका किसी भी केस का हिस्सा ना बने। दरख्वास्त में मौक़िफ अपनाया गया है कि चीफ जस्टिस काजी फाजीसा अभी तक अपने खिलाफ दायर रेफरेंस को ज़ाती हमला तसव्वुर करते हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि चीफ जस्टिस की अहलिया मुतादिद मवाक़े पर बानी पीटीआई के खिलाफ बयानात दे चुकी हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की पहली दरख्वास्त वापस भिजवा दी थी। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि बानी पीटीआई ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस के खिलाफ दोबारा दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त के मतन में कहा गया है कि चीफ जस्टिस काजी फाजीसा पीटीआई और बानी के खिलाफ जानिबदार हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ के बानी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस के खिलाफ एक बार फिर दरख्वास्त दे दी है। इस दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया, इस हवाले से अपडेट्स देते हैं। इस्लामाबाद से नुमाइंदा कैपिटल टीवी निसार आबिद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी निसार आबिद, अपडेट कीजिएगा इस खत के, इस दरख्वास्त के बारे में। आज बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये मामला है। बानी पीटीआई ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है वो दोबारा दरख्वास्त दे दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइजीसा पीटीआई और बानी तरीके खिलाफ जो है वो जानिबदार हैं। दरख्वास्त का मतन ये है, दरख्वास्त में सदा ये की गई है चीफ जस्टिस और पीटीआई से जो मुतलका किसी भी केस का जो हिस्सा ना बनाया जाए। दरख्वास्त में कहा गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइजीसा अभी तक अपने खिलाफ दायर रेफरेंस की जाती जो है वो हमला तस्वर करते हैं। दरख्वास्त में कहा गया कि चीफ जस्टिस की अहलिया मुतअद्दिद अवाकिफ बानी पीटीआई के खिलाफ बयान दे चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की पहली दरख्वास्त वापस भिजवा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बानी पीटीआई ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस के खिलाफ दोबारा जो है वो दरख्वास्त दे दी है। कहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का दिफाई जीता और बानी पीटीआई जो है के खिलाफ जानिबदार हैं। चीफ जस्टिस और मेरे और पीटीआई से मुताल्लिक किसी भी केस का जो है वो हिस्सा ना बने, दरख्वास्त में इस्तदा की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें तफसीली अपडेट किया निसार आबिद। नाज़रीन आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के बानी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस के खिलाफ दोबारा दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि चीफ जस्टिस काजी फाजीसा तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के बानी के खिलाफ जानिबदार हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि चीफ जस्टिस मेरे और पीटीआई से मुतल्लिका किसी भी केस का हिस्सा ना बने। दरख्वास्त में कहा गया कि चीफ जस्टिस काजी फाजीसा अभी तक अपने खिलाफ दायर रेफरेंस को ज़ाती हमला तसव्वुर किया। दरख्वास्त में कहा गया कि चीफ जस्टिस की अहलिया मुतादिद मवाक़े पर बानी पीटीआई के खिलाफ बयान दे चुकी हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की पहली दरख्वास्त वापस भिजवा दी थी।